ये 1905 का बना हुआ बिल्डिंग मस्जिद और सातों सात बन गई। अच्छा, तलारी में है और यहाँ की जो है प्राचीन इमारतों के बारे में और उनके खानदान के बारे में, जो लोग यहाँ पे जो है ब्रिटिश राज में हुकूमत किया करते थे, हमारे साथ में जो है अच्छन भाई हैं, तो उनसे हम बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा ला करके, ये क्या था, ये बिल्डिंग जो है, ये बैठकर मेहमान खाना अच्छा, था, ये मेहमान खाना था। ये एक्चुअली में हमारे दादा जो है अपने अब्बा के लिए, वो तो दादा हमारे यहाँ से चले गए बड़ागावा, तो अपने अब्बा के लिए दुकान बनवाया था। ये बैठका था उस जमाने का, ये यहाँ पे लोग बैठ के अपना मीटिंग और चौकीदार के लिए बना रहा था। अभी अगर इसकी साफ सफाई जो है की जाए तो क्या रॉयल लुक जो है इसका, ये तो मजबूत है। इस पे लग रहा है कुछ नया बस हुआ ऊपर से। हाँ बोलो भाई, बोलो भाई। ये 1905 का बना हुआ बिल्डिंग है, मस्जिद और सातों सात बन गई। अच्छा, इसका रिपेयरिंग का जो है कभी वो नहीं किए? रिपेयरिंग तो सब चला गए, जब कोई रिपेयरिंग करी तो रहे वाले सब लोग हर हर गए। अच्छा अच्छा, गिर गई सर। क्या बात है, आओ जी। अभी भी बहुत मजबूत है। अरे तो उस दौर के बना हुए इतना खूबसूरत थे, तो कोनिया नहीं आप रिसा के करना टिका आजकल मिस्त्री ऐसा कम हुए नहीं करते नहीं करते। अच्छा, ये किस पर्पज में था ये? ये औरतन के लिए, ये अंगना औरतन के लिए ही पार्ट था। अच्छा अच्छा, एकरे बाहर और एकरे हर, ये हर मर्द के पूरा ही मेहमान खाना रहा विश्वाल। अच्छा, ये ईंटों पे कोई सिंबल नहीं बना हुआ है? नहीं, निशान जैसे किसी किसी पर लिखा हुआ है। डॉक्टर अहमदुल्ला साहब जो है वही के 1910 1908 इसे हुई 1901। डॉक्टर अहमदुल्ला साहब जो रहे और हूँ वही के हाजी अच्छन साहब। अच्छा, हाजी अच्छन साहब जो है उनके साहबजादे? हाँ, डॉक्टर अहमदुल्ला साहब के साहबजादे वही घर। तो अच्छन भाई जो है माशाल्लाह एक लैंडलॉर्ड है। बिल्कुल, ब्रिटिश हुकूमत में दुए वोटर रहे, वह रहे सोमना सिक्टा, भानु प्रताप सिंह का खानदान में दूसरा नहीं रहे। अच्छा, फांसी तक का सजा होत रही वहाँ कोर्ट रहे। ब्रिटिश हुकूमत कोर्ट लगत रही। आगे चल के और भी जो है प्राचीन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। और मिनट बंद करो तो ये बरगद का पेड़ जो है ना पाव भाई, यहीं से उतर के इसका इसका थोड़ा सा किस तरह से इसने जो है एक खूबसूरत इमारत को बर्बाद कर दिया। बहुत बड़ा पेड़ हो गया, दीवार फट गई है इसके वजह से। आज हम लोग जो है तलारी में हैं और यहाँ की जो है प्राचीन इमारतों के बारे में और उनके खानदान के बारे में, जो लोग यहाँ पे जो है ब्रिटिश राज में हुकूमत किया करते थे, हमारे साथ में जो है अच्छन भाई हैं, तो उनसे हम बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो ये इमारत जो है किस काम में इस्तेमाल होती थी? ये रिहाइश, एक्चुअली रिहाइश के लिए थी। अच्छा अच्छा, रेजिडेंशियल पर्पस। अच्छा अच्छा, तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये, हाँ, यहाँ पे पूरे खानदान के उस टाइम में जब शादियां होती थी। अच्छा, तो शादी जाते थे और खानदान की औरतें जो सारे लोग रहते थे ऊपर से, ये ऊपर छत थी पूरी, तो बैठ के सब लोग रह रहे।
तो आपके वालिद साहब जो है उसमें मतलब अंग्रेजों के दौर में किस पोस्ट पे मतलब हमारे वाले हमारे दादा दादा जी जो वो ऑनरी मजिस्ट्रेट के कुछ रहती थी कुछ पोस्ट में तो उस पे थे वो हमारे दादा अब्बा के हमारे। अच्छा अच्छा जी, तो इस इमारत के जो है रख रखाव के लिए कभी कोई आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? प्रयास हम लोग किए लेकिन थोड़ा कुछ दीवारें जो थी कथी जो आई गई थी ये तो मुमकिन नहीं हो पाया। उस बात भी हम लोग आर्किटेक्ट से बात की कि इसका थोड़ा सा कुछ किया जाए लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया कि इसको रखा जाए उसी सहमे से। आज इत्तेफाक है कि उस पीढ़ी के जो है अच्छन भाई हमारे साथ में है, वसी अहमद भाई भी है, गुफरान मलिक साहब है और शाकिर भाई भोलू भाई भी जो है, तो हम लोग जो है और हाँ कुछ ऊपर इस इमारत को जो है देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे और अंधेरा है लेकिन इसकी बनावट जो है अभी भी शानदार है। फर्स्ट स्टोरी है आरामगाह था ये। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बीच में उसके कपड़े के पंखे लगते हैं ना, यहाँ पे हम लोग को बचपन अच्छा ये इस तरह से जो है इसका वेंटिलेशन वगैरह बना हुआ है। बाहर बरामदा भी था, एसी और फ्रीजर की कोई जरूरत नहीं है। कपड़े एक चरखी लगी हुई है तो आप देखेंगे। अच्छा अच्छा, लगी हुई है चरखी। छत जो है अभी भी शानदार है, यहाँ पे चरखी भी लगी हुई है। अच्छा ये किस ये पंखे को चलाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्टोर रूम था उस टाइम के। अच्छा अच्छा, ये स्टोर रूम क्या शानदार जो है। थोड़ा सा इधर दिखा देते पाव भाई, देखिए अनाज रखने का जो है अभी भी डेहरी जिसको हम लोग कहते हैं हमारी वालदा के हाथ से बनाई, वहां पे भी कुछ है ये डेहरी का रही है हमारी वालदा के हाथ से बनाई है। माशाल्लाह, इस बिल्डिंग से लगा हुआ जो है शानदार शाही मस्जिद आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत आगे मत जाओ, थोड़ा सा जर्जर हो गई है उधर की, लेकिन छत वगैरह और क्या कौन सा मसाला लोग इस्तेमाल करते रहे, इसकी छत देखें आप किस तरह से जो है पिरामिड की तरह बनाया गया है, डोम गुंबद की तरह, बहुत ही शानदार। हम लोग के पैदा आप लोग इसको छोड़ के गए तभी ये डिपू के बाद ये तो खराब हो रहा था। अच्छा अच्छा, लेकिन भैया से कहा है कि इसको मेंटेन करें इंशाल्लाह ज्यादा है। अच्छा अभी और इस खानदान के लोग जो है मतलब सब बाहर ही बाहर सब बाहर है, कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट करके नौतवा के पास चले गए थे, बारागांव इलाका। अच्छा बारागांव, हम लोग तो कुछ लोग वहाँ चले गए और हम लोग खासकर यहाँ पे रुके थे। अच्छा बारागामा में जो लोग हैं मलिक वो यहाँ पे हैं, सत्तरी अलग से नहीं, बारागामा कोई पर्टिकुलर जगह है नहीं, सिर्फ मतलब बारागामा मलिक लोग का जाके यहाँ से खरीदे थे वो लोग। जी जी, दलाल बताए कि तेरे जमींदार हम बयान नहीं देता कर हाँ चलो है कुछ ठाकुर गांव भी है फिलहाल मैं खाड़ू का गांव खाड़ू का गांव घूम के वह ले खरीद मलिकों के हिस्ट्री के बारे में और जनरल इतिहास के बारे में जो है शाकिर भाई हमारे काफी जानकारी रखते हैं, भोलू भाई और इसके बारे में यहाँ के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं या उसमें सच्चाई है कि यहाँ पे महिलाओं का रक्स होता था, यहाँ पे फांसी और इस तरह की तहसील लगती थी, कोर्ट यहाँ लगत रही ब्रिटिश। अच्छा अच्छा, फांसी तक की सजा यहाँ पर होती थी, जेल वगैरह हाँ सब सब है, जेल आगे बना हुआ कोर्ट लगत रही यहाँ पर। चलिए तो इस तरफ नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे, तहसील रहन सहन का अंदाजा लगा सकेंगे। काम हो भाई अंदाजा एक ना देखो बयान करते सही बात कितनी शानदार सीढ़ी बनी हुई है ये।
100+ क्या बात है, 100 साल से ऊपर देखा था अभी 1951 का, 1901 जी जी। और मतलब ये देखे, ये दीवार है दोनों, उसके बीच में सीढ़ी निकली, देखे यहाँ तो ये पूरा है। क्या बात है, बहुत गजब। और लकड़ी भी जो है उसी साकू की लकड़ी है। आइए गुफरान भाई, एक भाई आइए, तो अंग्रेजों ने, ये मुझे लग रहा है कि ये रेलवे काटे नहीं है, कटा रही है। अच्छा अच्छा, ये नहीं, ये तो चैनल है, ये जो देख रहे हैं ये, हाँ। ये रेलवे का है, रेलवे का है। बता देते पुराने जो लोग थे, हाँ। उस जमाने में कानपुर से एक स्क्रैप में आया था। अच्छा, इसकी कीमत और ट्रांसपोर्टिंग लेके 5 रुपए पर गटर पड़ा था ये। अच्छा अच्छा, इसका खर्च जो है उस जमाने में 5 रुपए एक रेलवे का आया था गटर। ये रेल की कानपुर स्क्रैप से लिया गया था। ये वाला पर्सन गिर रहा है, उसी अहमद, उसी अहमद हमारे साथ बचपन में रहती है, थोड़ा ला करके। ये क्या था, ये बिल्डिंग जो है, बैठकर मेहमान खाना। अच्छा, ये मेहमान खाना था, वो एक्चुअली में हमारे दादा जो है अपने अब्बा के लिए, वो तो दादा हमारे यहाँ से चले गए बड़गांव, तो अपने अब्बा के लिए दुकान बनवाए थे, कपड़े की दुकान के लिए। अच्छा अच्छा, बोल के लिए कुछ करना, बहुत मोटे थे वो, भाग में चलने में थोड़ा वो थे। अच्छा, दुकान बनवाए थे, वो खाली दुकान इसलिए बनी थी कि गरीबों में कपड़ा बांटने के लिए। अच्छा, हर 3 महीने में कपड़ा खत्म हो गया, फिर दूसरा रखो, फिर खत्म हो गया बांट के, इसके लिए दुकान खुलवाए थे। क्या बात है, माशाल्लाह। तो सामाजिक कार्य भी जो है रहते थे भाईजान। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बड़ी अम्मी हमारी भाईजान, ये लोग उनके अब्बू रखा, उनके अब्बू हमारे अब्बू सगे मामूजाद भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अरे आइए इस तरफ। अच्छा, ये जो है कि इनकी तस्वीरें कहीं महफूज कर लीजिए, मुस्तफा पे सवाल उठेगा। हाँ हाँ हाँ, और करीब से दिखाइए भाई जो है। ये बैठता था इस जमाने का, ये यहाँ पे लोग बैठ के अपना मीटिंग में और चौकीदार के लिए बना रहा था। अभी अगर इसकी साफ सफाई जो है की जाए तो क्या रॉयल लुक जो है इसका। ये तो मजबूत हालत में है अभी, क्या शानदार लकड़ी के बना है देखो, अभी तो लकड़िया सड़ी नहीं, जबरदस्त जो है। इसके लिए सीढ़ी जो ऊपर जाने की दीवार से है, छत बनते थे मजबूती के साथ जी। और इस पे नक्काशी जो है करने में काफी समय लगा होगा, कई कारीगर लगे होंगे। 5 लाख है, बेतनार के बना है ये दरवाजा, बेतनार। अच्छा, बेतनार में एक बड़ी थे दूबर मिस्त्री करके थे, हमारे खानदान में काम ही करते थे। अच्छा, उन्हीं हाथ से बनाया हुआ सारा काम, यहाँ से लेके 12 गांव तक सारा काम भी किया। गुफरान भाई, गुफरान भाई, एक मिनट हो जाएगा। इस पे लग रहा है कुछ नया बस ऊपर से बोलो भाई, बोलो भाई। थैंक यू। वैसे भी हमारी बिजली फोन भी दे रहे हैं पास। हाँ जी जी, बिल्कुल व्हाट्सएप हमारे। हाँ जी, यहाँ पे जो है ये आए वही भाई आई
हाँ यहाँ से निकलेगा था और हाथी भी वहाँ पे रुकने वाला उनका जो बाड़ा था बाड़ा भी बना था। अब ये घरेलू जो जहाँ पे परिवार रहते थे उससे हट करके जहाँ पे प्रशासनिक कार्य काम होते थे उस तरफ हम लोग चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं गेट जो है बड़ा शानदार गेट है, इससे बताते हैं कि इस गेट से जो है हाथी आया जाया करते थे और उस जमाने में हाथी जो है बहुत शानदार सवारी मानी जाती थी। आइए तो ये हम लोग अभी जो है ना प्रशासनिक कचहरी में ये एंटर हो रहे हैं। इधर पूरा ये जेल हाँ हाँ इसको जो है यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। वो किसी भी जुर्म में जो है अपराधी घोषित होते थे उन लोगों के लिए। ये अंग्रेजों की बनाई हुई जेल थी जिसको यहाँ पे जो तहसीलदार मजिस्ट्रेट होते थे तो जो मजिस्ट्रेट थे यहाँ के वो आपके जो है रिश्ते में क्या हमारे बाबा वाले साहब के बाबा पर रहे हैं। अच्छा पर बाबा हाँ हाँ उनका नाम अगर है जो अमजद अली करके थे अमजद अली साहब हमारे दादा के अब्बा। अच्छा थे आबिद मलिक आबिद आबिद मलिक साहब वो मजिस्ट्रेट जो थे जो इंचार्ज थे मजिस्ट्रेट ऑनरेबल मजिस्ट्रेट जो है आबिद अली साहब। अच्छा अच्छा तो ये माशाल्लाह जो है उन्हीं की क्या नाम है संतानों में से हैं जो तीसरी चौथी पीढ़ी के निशात अहमद मलिक साहब और वसी अहमद भाई ये उनकी क्या नाम है पुरखों उनके संतानों में से हैं चौथी जनरेशन के। और आपके ही पूर्वजों ने जो है ये शानदार मुकाम हासिल किया था अंग्रेजी गवर्नमेंट में। और भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इधर कुछ कंस्ट्रक्शन वो तो नया बना हुआ। अच्छा वो नया यहाँ पे हाथियों का अच्छा ये हाथियों का अस्पताल बनता रहने का नीम की पेड़ से लेके इधर पूरा ये उन्हीं का था। किसान लोग बगीचा हुआ करता था दिख रहा ना गन्ना वहाँ तक ये बगीचा था हम लोग का वो आदमी वाला। अच्छा अच्छा बहुत अच्छे अच्छे बहुत पुराने। अच्छा अभी भी है अभी एक पेड़ बचा हुआ। अच्छा एक पेड़ अच्छा ये एक पेड़ बहुत पुराना पुराना पेड़ है वो। अगर पेड़ दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे साथी जो है ये देखिए 100 साल से ऊपर है। हाँ 100 साल आम का पेड़ एक ही जगह बगीचे का एक पेड़ बचा हुआ है। और एक घर में घर से दूसरे घर में जाने का रास्ता हमारी अंदर सबका तो ये निशात भाई और क्या नाम है वसी अहमद भाई और शाकिर अली और भोली भाई इन लोगों के जरिए जो है ना पढ़ाई के बारे में बहुत सारी बारीकियों को जानने और समझने का मौका मिला। तो आप लोगों के जो है कीमती वक्त के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स इसी के साथ मैं आप लोगों से भी इजाजत चाहूंगा। और एक रजवाड़े खानदान के जो है मजिस्ट्रेट खानदान के ये भी हैं जो है गुफरान मलिक साहब जो अभी एक स्कूल जो है अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद पीजी कॉलेज के जो है इंचार्ज हैं और इसको रन कर रहे हैं। तो इस एरिया के मलिकों का जो है शानदार एक वो रहा है रिजीम रहा है और जिसकी जो है अवशेष अभी भी आप आकर के यहाँ पे देख सकते हैं शानदार इमारतों और बिल्डिंगों के बीच में। तो व्यूअर्स फिर किसी और मौजू पे किसी और जगह पे फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद गुड बाय टेक केयर।